हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ मटर पनीर की रेसिपी। देखिए, मैंने मटर लिया है, दो प्याज, दो टमाटर, लहसुन और ये थोड़े गरम मसाले जैसे जीरा, दो इलायची, एक बड़ी इलायची, दो लौंग, ये मैंने लिया है। अब तेल में मैं ये पहले गरम मसाला डालूँगी, थोड़े गरम मसाले, इसको थोड़ा तड़का आने दूंगी। इसमें थोड़ा तड़क होगा, कड़केगा जब ये, तो फिर मैं इसमें आप देखिए, फिर मैं इसकी जब ये हो चुका, अब इसमें मैं अदरक और लहसुन डाली। मैंने अदरक और लहसुन को काट के रखा था तो वो मैंने डाला। थोड़ा अदरक लहसुन को पकने देने के बाद फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को भी मैंने रफली चॉप किया है। ये एकदम सिंपल मटर पनीर की रेसिपी है और बहुत कम तेल में ही बन जाता है। देखिए, आपने मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं लिया था। और इसको मैं प्याज को थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें दो कटे हुए टमाटर डालूँगी। इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊँगी। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें काजू डालती हूँ, चार पांच काजू लिया है मैंने, इसको छोटे छोटे पीस में कट कर ये मैंने फ्राई करके इसको निकाल दिया। और ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, ये दरदरा पीसा था मैंने, बहुत फाइन पेस्ट नहीं था। अब मैं उसी तेल में तेज़पत्ता और ये मसाला डालूँगी और इसको धीमे आँच पे मुझे अच्छे से पकने देना है। ये धीमे आँच पे मैंने इसको पकने दिया। अब मैं इसमें हल्दी और सिर्फ धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। ये मिक्सी में बचा हुआ जो पानी था वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें, ये फ्रोजन मटर है, अब मैं इसमें ये मटर ऐड करूंगी और ये मटर को थोड़ी देर तक इसको धीमे आँच में पकने देना है। देखिए, ये पक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा पनीर ऐड करके पनीर को भी इसके साथ मैं भून लूँगी अच्छे से। ये सब धीमे आँच में करना है। ये देखिए, मैंने भून लिया, इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि पनीर में वो मसाला जो है वो अंदर तक समा जाए। और फिर मैं इसको ढक के, ये पानी, गरम पानी डालना है इसमें, मैं इसमें अब गरम पानी डाल दूँगी और बॉयल आने तक अच्छे से इसको पकने दूंगी। दो मिनट के बाद फिर देखिए, मैंने निकाल दिया ढक्कन। अब देखिए, ये मेरा मटर पनीर रेडी हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ये तर तैयार है और ये हमारा नाश्ता भी रेडी है। थैंक यू सो मच। अरे, ये लाला क्या लेके आया? Thank you.